हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में हो रही रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन वैकेंसीज़ की जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इसमें बता दूँ आपको, ये भर्ती जो है कंडक्ट करवाई जाएगी डीसी ऑफिस ऊना के द्वारा, और जो भी आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी डीसी ऑफिस ऊना के अंतर्गत। जितने भी ऑफिस आते हैं उनमें आपकी पोस्टिंग जो है ये की जाएगी। अब बात करें अगर वैकेंसीज़ के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं पियोन की वैकेंसीज़। तो पियोन की टोटल 31 वैकेंसीज़ जो हैं इसमें निकाली गई हैं, और जिसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अपनी स्क्रीन पर। दूसरी वैकेंसी जो है वो वस्ताबरदार की वैकेंसी है, जिसमें 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तीसरी जो वैकेंसी है वो है चौकीदार की, जिसमें 3 वैकेंसीज़ जो हैं इसमें निकाली गई हैं चौकीदार की। बात करें अगर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले बात करें इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो पियोन के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए। नेक्स्ट जो है बस्तावरदार और चौकीदार के लिए बात करें, तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप मिडिल एग्ज़ामिनेशन जो है आपका पास होना चाहिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो आपकी एज 18 साल से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस लगेगी 200 रुपया, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ीस होगी 100 रुपीज़। मोड ऑफ़ पेमेंट जो होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, या फिर बैंक ड्राफ्ट, या फिर आईपीओ की फॉर्म में जो इशू किया हो फेवर में डीसी ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश के। तो आपको जो है इसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा अपनी एप्लीकेशन फ़ी का, जो कि इशू किया गया हो फेवर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश को। अब बात करें अगर इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की क्या लास्ट डेट रहेगी आपकी, तो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की 25 मार्च 2020। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, और ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहुंच जाने चाहिए 25 मार्च 2020 से पहले। और जितने भी कैंडिडेट ट्राइबल एरियाज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं उनके लिए लास्ट डेट रहेगी 5 अप्रैल 2020 की। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंचने चाहिए डिप्टी कमिश्नर ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश, पिन कोड रहेगा 174303। तो ये एड्रेस पे आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने चाहिए। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें, तो इस तरह का आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है रहेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं HP ऊना की वेबसाइट पर जाके, ये फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके भेजना होगा जो मैंने एड्रेस बताया है उस एड्रेस पे। यहाँ पे ये एड्रेस लिखा भी गया है, यहाँ पे इस एड्रेस पे ही आपको इसको सेंड करना होगा। और पोस्ट जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी इसकी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अब इसके साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करके भेजने होंगे, तो आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना होगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी है आपकी उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। आपका जो हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी जो है आपको सेंड करनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसके साथ सेंड करने होंगे, और एक सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप इसके साथ अटैच करके भेजना होगा, जिसके ऊपर 5 रुपये की स्टैंप लगी हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है DC ऑफिस ऊना में। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।